10 सितंबर से तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा में तेजस्वी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिसे लेकर पार्टी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो गमछा की जगह बैज और टोपी को प्राथमिकता दें। आरजेडी के इस नसीहत पर बीजेपी ने तंज कसा है, जिसका जवाब अब आरजेडी ने भी दिया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं को मिला निर्देश, तेजस्वी की यात्रा में हरा गमछा बैन। गमछा जो है हमारे संस्कृति में है, टोपी भी लगाएंगे, गमछा भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या गमछा से आरजेडी को है नुकसान? चुनावी रैली में तेजस्वी के इस स्टाइल की खूब चर्चा हुई। जब गमछा लहराया तो जोरदार तालियां बजी, लेकिन इसी गमछा को तेजस्वी की संवाद यात्रा में बैन कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से निर्देश जारी हुआ है कि कार्यकर्ता गमछा छोड़कर टोपी और बैज का इस्तेमाल करेंगे, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। श्री तेजस्वी यादव जी गमछा इसलिए हटा रहे हैं कि वो जंगल राज का प्रतीक समझ रहे हैं और अपहरण उद्योग का प्रतीक समझ रहे हैं, इसलिए बिहार के जनता को वो टोपी पहना करके दिग्भ्रमित करने के चक्कर में है। बिहार की जनता उनका टोपी पहनने वाला नहीं है, अब टोपी पहनाने वाला है। सवाल उठता है कि गमछे से आखिर आरजेडी को दिक्कत क्या आ गई? क्या इमेज का सवाल है या फिर कहानी कुछ और है? नहीं, गमछा से टोपी पर नहीं है, जमाना बदला है। जमाना जब विज्ञान के हमारे लोग अब कलम के सिपाही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसी हिसाब से हमारी जो टोपी है, चाहे वो गांधी जी की टोपी रही हो, समाजवादियों की टोपी रही हो, हम लोगों का जो हरा हम लोगों ने रंग का चुनाव किया है, देश में गांव गरीब किसान मजदूर के भलाई के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उसका प्रतीक है। गमछा तो बिहार का अपना प्रतीक ही है। टोपी, बैच और गमछा तीनों की बात कही गई, लेकिन पता नहीं, आज मैंने अखबार में देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। किस मानसिकता से बिन जाने समझे कैसे कुछ लिख देते हैं लोग। बुधवार को पार्टी की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं में इसका असर नहीं हुआ। हम टोपी भी लगाएंगे और गमछा भी लेंगे। सवाल गमछा लेने में नहीं है, गमछा के यूज करने में है कि हम गमछा ले करके। अब ये बताइए कि गमछा जो है हमारे संस्कृति में है। पगड़ी मत बांधिए, डांड में मत बांधिए, ऐसे हम जिसे लिए हैं उसे लेकर रहिए। और टोपी की बात है तो टोपी कहीं नहीं लगाएंगे, टोपी भी लगाएंगे, गमछा भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपनी सभा में उमड़ी भीड़ को लेकर खुशी जताते हुए गमछा लहराया था, लेकिन पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले लोगों ने इसे सही नहीं बताते हुए ऐसे भाव भंगिमा से बचने की सलाह दी है। हरे गमछे के बदले हरी टोपी और बैच को प्राथमिकता देनी है नेताओं और कार्यकर्ताओं को। दूसरी ओर इस मसले पर सत्ता पक्ष निशाना साध रही है कि इसके जरिए जनता को टोपी नहीं पहना सकती आरजेडी, जबकि आरजेडी इस पहनावे को लेकर सत्ता पक्ष पर, जो भगवाधारी गमछा है, उस पर निशाना साध रही है। कैमरामैन अभिषेक के